मुझे पता है कि वो क्या करते हैं और कैसे काम करते हैं। ये फिल्म में तो उन्होंने मतलब एक इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज और यू नो जस्ट 15 मिनट्स में बोलना, इट्स बहुत बड़ी बात है एंड इट्स अ लवली मैसेज के यू नो हु एम आई, एक औरत एक्चुअली क्या क्या नहीं होती और क्या होती है। सो इट्स अ लवली फिल्म, आई बिलीव एवरीबडी शुड वॉच इट एंड यू शुड यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, फिल्म जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड है, तो क्या कहना चाहेंगे कितना ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट पर मूवीज बनाना? बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये है कि हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं कि यू नो हमारे जहन में यही होता है कि हीरो हीरो मतलब यू नो मेल गाय, बट यू नो द वुमन इज इक्वली यू नो हीरो है, तो उनको भी दिखाना चाहिए कि वो इतना काम करते हैं और सब कुछ करते हैं बेसिकली, कैसे मल्टीटास्क करते हैं, तो उन्हें भी इक्वल दर्जा देना बहुत ज़रूरी है। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट तो काफ़ी टाइम होता ही है, सभी आजकल वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, बट मैंस एम्पावरमेंट पे कहीं ना कहीं कोई ध्यान नहीं देता, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैन एम्पावरमेंट यार ऐसा होता है ना कि आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे जॉब्स होते हैं या जो भी प्लेसमेंट्स होती हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस डेफिनेटली दे लुक फॉर यू नो मैन, बट अब ज़माना बदल रहा है, इक्वल होने लगा है, मतलब यू नो वुमेन आर इक्वली, वो हर लेवल पे इक्वल हैं, दे कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू। ओके, जैसे कि आपको पता है क्रिसमस है, न्यू ईयर आने वाला है, क्या क्या प्रिपरेशन चालू है उसके लिए? अभी क्या है कि यू नो इट्स अ फेस्टिव सीजन, तो डेफिनेटली पार्टीज़ हैं और सब लोग के घर पर जाएंगे एंड क्रिसमस है, तो सबके घर जाके खाना वाना खा के एंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ये मैसेज होगा कि देखिए कि औरतों को इक्वल समझिए और उन्हें मतलब इक्वली ट्रीट कीजिए, ऐसा सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, ये सुबह से लेकर रात तक ये पुरानी प्रथा चली आ रही है कि सुबह से लेकर रात तक एक औरत किचन में यू नो पूरा काम करती रहती है, प्लस उनसे ये भी उम्मीद रखी जाती है कि वो बाहर जाके भी सब काम करे, प्लस ये भी उम्मीद रखी जाती है कि ऑफकोर्स वो जाके ऑफिस में भी काम करे, तो कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हाथ बटाएं, हम भी काम करते हैं हमें पता है, लेकिन अगर हम आके अगर ऐसे ऑर्डर दे देंगे या चाय लेके आओ पकौड़े लेके आओ तो कैसे चलेगा यार, कभी खुद भी जाके बना लें, उनको बिठा के बोले कि भाई बैठो मैं चाय लेकर आता हूँ यार। देखिए मेरा ख्याल है, मैं तो ये बोलना चाहूँगा जो उस घर में रह गया, जो उस घर में चला गया वो विनर ही, हिम्मत चाहिए उस घर में जाने के लिए क्योंकि मैं जाके आ चुका हूँ, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि करणवीर बोरा है और दीपिका है, वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, श्रीशांत है वो ही इज शोइंग यू नो व्हाट ही इज, तो अभी ये तीन लोग मुझे लग रहा है कि ये हैं, लेट्स सी, दीपक भी बहुत अच्छा कर रहा है अभी तक, ही इज देयर एंड ऑफकोर्स आजू बाजू में बाकी लोग भी हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग अपडेट्स ये हैं जो जिसके ज़रिए मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ, बाकी फॉलो करने का मौका नहीं मिलता, जैसे अभी भी मैंने कहा कि आई हैव टू रश फॉर माई शूट, आई एम शूटिंग नाइट्स तो मिस ही हो जाता है, बट हाँ अपडेट्स में जो मुझे मोटा मोटी पता चला है दैट्स व्हाट। ये भी अपडेट है कि उतना हैपनिंग नहीं जितना आपके वक्त या जितना और था। देखिए क्या होता है ना, हर बार लास्ट सीजन से कंपैरिजन तो होना ही है, हमारे टाइम पे बोलते थे कि भाई पहले वाला इतना अच्छा नहीं था ये वाला अच्छा है, अब हमारे सीजन से सीजन 11 से ज़रूर 12 कंपेयर किया जाएगा, तो कंपेरिजन तो होंगी, तो 19-20 तो होगा ही। पूछेंगे जी, बहुत 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 अच्छी लगी, बहुत बढ़िया फिल्म, औरतों के लिए बहुत अच्छा है, एक बेहतरीन मैसेज है इसमें, और शॉर्ट फिल्म का नाम है मैं कौन हूँ, वाह वाह, मैं कौन हूँ, यानी कि मैं कौन हूँ का जो मतलब है ये देखने से आपको पता चलेगा, ये शॉर्ट फिल्म ज़रूर देखिएगा, इसका मतलब आपको पता चलेगा कि औरत के अंदर वो क्यों कहती है मैं कौन हूँ, उसके अंदर कुछ है, वो क्या है, वो एक टैलेंट है, उस टैलेंट को हमें जानना चाहिए, अगर औरत के अंदर टैलेंट है उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, ये इस फिल्म में वो दिखाया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आया। बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है ये, और एक वुमन के ऊपर, एक महिला के ऊपर
आपको फिल्में बनानी चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। औरत जात को हमारे यहाँ जो है बहुत ही इजी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। औरत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, औरत का सम्मान होना चाहिए। महिलाओं की नहीं, अभी तो फिर भी ठीक है, इससे पहले बहुत ही ख़राब था। अभी तो फिर भी इज्जत बाकायदा बढ़ रही है और लोग समझ रहे हैं, ये टेलीविज़न के कारण घर घर ये बातें पहुंचती हैं, लोगों तक बात पहुंच रही है और पहले से तो बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत बढ़िया है। प्लानिंग बस यही है, इस साल भर में हमने जो कुछ किया है, अच्छा बुरा, जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा ही होता है। और 31 के दिन हम उससे प्रार्थना करते हैं कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रिलेट करेंगे इससे, स्पेशली वुमेन, एंड बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर है। तो जब भी कोई चीज़ आपको मिलती है जो जिससे ऑडियंस रिलेट कर सके और यू नो पब्लिक उससे जुड़ सके, सो वो बहुत अच्छा ही है। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मुझे फिल्म जब मुझे सुनाई गई, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, दिस फिल्म, बिकॉज डेफिनेटली कोई अच्छी मीनिंगफुल चीज़ होती है तो वो आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करती है, बींग एन एक्टर एंड बींग अ पर्सन। दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी डियर टू मी, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। सॉरी जी जी जी, ऑफकोर्स इट डज, बिल्कुल। इसके बाद पब्लिक और अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करना चाहेगी, और जब आप कुछ अच्छे मुद्दों पर कुछ ऐसी फिल्म करते हैं, कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली जो देखने वाले हैं वो आपसे नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे। सो डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे शोल्डर्स पे काफ़ी बढ़ चुकी है अभी, सो आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप सबकी तरफ से और जो भी देखने वाले आ रहे हैं उन सबकी तरफ से, आई एम वेरी ग्लैड जी। जी इसी मोमेंट के लिए और इसी अप्रिसिएशन के लिए एक एक्टर इतना हार्डवर्क करता है, लगा रहता है हमेशा, सो मुझे लग रहा है आज वो तपस्या कहीं ना कहीं बहुत सफल हो गई। सो जब सर ने मुझे पर्सनली कहा कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड फीलिंग कंप्लीट राइट नाउ दैट यू नो आई डिड समथिंग गुड एंड सेटिस्फाइंग, वेरी हैप्पी। आई लव रानी मुखर्जी, विद्या बालन, सॉरी, एंड बहुत सी हीरोइंस हैं, बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, सभी अच्छा करती हैं, लेकिन हाँ लाइक रानी मुखर्जी, विद्या बालन एंड ऐसी एक्ट्रेसेस जो मीनिंगफुल सिनेमा और करती हैं वो मेरी इंस्पिरेशन है डेफिनेटली जी। ओह दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। वेल किरदार जो है एक हस्बैंड का है जो अपनी वाइफ के बिल्कुल अगेंस्ट है, वो जो करती है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो मेरा किरदार ऐसा है। वैसे मैं हूँ नहीं ऐसा, वो अलग बात है, लेकिन किरदार बड़ा अच्छा था तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, और यही था मेरे लिए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा फिल्म के रूप में। जी बिल्कुल होते हैं, मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ इस तरह की मेंटालिटी के लोग बहुत होते हैं, जो औरतों को समझते हैं कि घर में रहना चाहिए, काम करना चाहिए, बच्चे को संभालना चाहिए, तो ऐसे लोग मैंने खुद देखे हैं, तो उन लोगों से देख देख के मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और काफ़ी मैंने उनसे सीख ली, और इस किरदार को करने में मुझे बहुत मतलब मदद मिली उनकी तरफ से, तो ऐसे लोग बहुत होते हैं, आज भी हैं, भले ही हम 2018 में हों लेकिन ऐसे लोग अभी भी घर घर में मौजूद हैं, तो कोशिश थी कि हो सकता है कि इससे थोड़ा चेंज आए सोसाइटी में। देखिए बचपन से मैं सुनता आया हूँ कि फिल्में जो है वो समाज का आईना होती है,
तो मेरे हिसाब से जो फिल्म्स होती हैं वो हमारे समाज पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं, अगर वो सही दिशा में हो। अगर कोई फिल्म अच्छा करती है तो समाज को भी अच्छा लगता है, कोई फिल्म बुरा करती है तो समाज को भी बुरा लगता है। इसलिए आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं फिल्म्स के अगेंस्ट और ये सारी चीज़ें, लेकिन फिल्म जो होती है वो समाज का आईना होती है। और मेरे लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा हूँ जो एक इतना सुंदर मैसेज लेके लोगों के बीच में जाती है। मैं तो अनमेरिड हूँ फिलहाल लेकिन मैं फुली सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, मैं फुल सपोर्ट करता हूँ, मेरा फुल सपोर्ट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मेरा फुल सपोर्ट है। बस मेरे घर में भी मेरी छोटी बहन है, मेरी मदर है, तो उन सभी वुमेन्स के लिए और सभी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जो करो अपने दिल से करो, किसी की मत सुनो, जो कुछ आपको लगता है कि हम कर सकते हैं बस आगे बढ़ते रहो, बाकी सब होता रहेगा। मेरे प्लान्स ये हैं कि मैं अपने घर वालों के साथ रहूँगा और मैं कौन हूँ देखूँगा। उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि कोशिश करो अपने पार्टनर को समझने की, ज़रूरी नहीं कि वो जो कर रही है वो गलत ही हो। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनको अपोज भी मत करो, उनको करने दो, उनको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने दो। क्योंकि सब लोग, और जहाँ तक शादी के बाद की एक एज होती है उस समय तक आदमी समझदार हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे अगर आप किसी को आगे बढ़ने ही नहीं दोगे तो वो कैसे कुछ चीज़ कर पाएगा। तो मेरा मैसेज उन सब लोगों के लिए यही है कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे ना तो उसको अपोज भी मत करो। थैंक यू। अजय कुमार जी और राजा जी की ये जो फिल्म है, आई एम श्योर सारी जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं या वर्किंग वुमेन हैं वो अपने आप को इस फिल्म के साथ बहुत आइडेंटिफाई करेंगे। आई एज अ वर्किंग वुमेन टोटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस फिल्म से, बहुत अच्छी है। और जिस तरीके से सटल वे में क्लाइमेक्स में बताया है कि अपनी सारी जिम्मेदारियों को के साथ वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है, वो बहुत अच्छा है। आई रियली लव्ड इट। या हाँ, सॉरी, देखिए इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि फिल्म का, किसी भी मीडिया का आम जनता पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इसलिए ऐसी फिल्में आएंगी और तो बहुत अच्छा होगा। वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पे जो हम लोग बात कर रहे हैं और अभी जो जागरूकता फैली है लोगों के बीच, ये बहुत अच्छा होगा। ऐसी फिल्में और आनी चाहिए और बननी चाहिए। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप रिवोल्ट कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी कर्तव्यों से दूर भाग रहे हैं, वो नहीं है। आप अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो इसमें बताया है। उनके साथ बहुत सारी बहुत सालों से उनके साथ जान पहचान है और बहुत ही सेंसिबल है, बहुत सेंसिबिलिटी है उनमें इस तरीके के काम करने की। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं, ये शुरुआत है। इट्स ये जो कहानी है ये एक, इट्स अबाउट अ वुमन टू इन सर्च ऑफ हर आइडेंटिटी, ऑफ हर अस्तित्व।
ये बेसिकली हर इट्स द स्टोरी ऑफ एवरी वुमन टुडे, एवरी गर्ल टुडे, मैरिड और अनमैरिड. दे आर लाइक मल्टी टास्कर्स. वी ऑल नो गर्ल्स आर मल्टी टास्कर्स, वुमेन आर मल्टी टास्कर्स. वो सबका सबके लिए करती है, बट उसके उसके बारे में सोचने के लिए कोई नहीं है. देर इज़ नो वन टू अंडरस्टैंड हर ड्रीम्स, हर पैशन, हर वॉट शी वॉन्ट्स टू डू. शी जस्ट कीप्स डूइंग थिंग्स फॉर एवरीबडी अराउंड हर, सो बी इट फैमिली, सो बी इट फ्रेंड्स, सो बी इट एनीबडी. बट जब बात आती है कि भाई मेरे बारे में भी पूछ लो कि मेरा दिन कैसे गया, मेरे बारे में भी पूछ लो कि मैं क्या चाहती हूँ इस लाइफ में, तो देर इज़ नो वन टू हियर अबाउट हर. नो वन हु, नो बडी इज इंटरेस्टेड टू नो कि यार आपकी लाइफ कैसे जा रही है. आप हमारा काम हो रहा है एज अ वुमन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड एंड टू टेक केयर ऑफ द हाउस, नथिंग एल्स. यू कॉन्ट थिंक अबाउट एनीथिंग. तो ये पिक्चर से मैंने ये लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ये मैसेज क्रॉस करना चाह रहा हूँ कि नहीं, वुमेन यू हैव टू अंडरस्टैंड देम. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देम, इनफैक्ट मैन एंड वुमेन बोथ शुड अंडरस्टैंड ईच अदर. And should that वही एक relationship है जो आगे बढ़ेगा. And the woman can do wonders. So you cannot underestimate any woman today. So you know, don't treat them like you know, just ऐसी हमने मेरी बीवी है सब करेगी काम, नहीं. Understand her dreams, understand what she wants and respect that, give her that space and she will do more wonders for you in life. So basically ये कहानी हर लड़की के ऊपर आधारित है, बेस्ड है कि गो फॉर इट. हमने ये बहुत क्लियर किया है फिल्म में, जो वो बोलती भी है कि मैं आई विल टेक केयर ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मैं ये नहीं बोल रही कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक केयर नहीं करूँगी, मैं आप सबका ध्यान रखूँगी, आई विल डू एवरीथिंग फॉर द हाउस, बट ऑल्सो यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी, यू हैव टू अंडरस्टैंड मी. सो दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू क्रॉस अ मैसेज. दैट्स वाई लास्ट में उसने वो डांस किया, वो कथक किया, बिकॉज वो कथक में शी इज़ टेकन अ डिप्लोमा अर्लियर, बट वो पूरे चीज़ में वो भूल गई थी. लेकिन वो कथक के जो ट्यूटोरियल्स करना चाह रही थी, शी गोज़ फॉरवर्ड एंड शी गोज़ फॉर इट. बेसिकली दैट्स हाउ इट इज़. सी व्हेन राजा केम टू मी, ही इज़ लाइक माय ब्रदर, वी नो ईच अदर सिंस मेनी मेनी इयर्स. So we decided, because you know we interact with our beti, behen, wife, friend, whatever, you know, as a woman. And then script was so well, we decided to produce this movie. It's my first production. And after that, one thing I realized कि जो महिला है वो उसको कई फेज से जाना पड़ता है. I mean, young, then after marriage and post marriage. So all these things as a man, no, we should take care of her feeling first, because महिला है तो हम हैं, अगर मान लो कोई है ही नहीं तो हम लोग कहाँ से आएंगे. सो दैट्स वॉट आवर मेन कॉन्सेप्ट वॉज कि वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर फीलिंग, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर यू नो मदर, आवर सिस्टर, आवर वाइफ, आवर फ्रेंड. सो इनका फीलिंग के ऊपर बेस था कि वी शुड नॉट इग्नोर एंड वी शुड ऑलवेज नो कि वॉट इज द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एनी वुमेन. इफ सी